नमस्कार, स्वागत है आपको। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां देखने को मिला है कि आरडीएक्स मिलने का मामला देखने को मिला है चित्तौड़गढ़ में। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में आरडीएक्स मिलने का मामला देखने को मिला है। मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक के बाद एक 3 जगह बम ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी। वही सभी आरोपी कुख्यात सूफा संगठन से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में आरडीएक्स मिलने का ये पूरा मामला देखने को मिला है। मामले में 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं साजिश रची जा रही थी, ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद ये जो कार्रवाई की गई है, काफ़ी अहम ये कार्रवाई मानी जा रही है। एक के बाद एक 3 जगह बम ब्लास्ट की प्लानिंग रचाई गई थी। सभी आरोपी कुख्यात सूफा संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक 3 जगह बम ब्लास्ट की प्लानिंग रची थी, यानी कि 3 जगह बम ब्लास्ट करना था। लेकिन इनसे पहले ही, ब्लास्ट होने से पहले ही ये बड़ी कार्रवाई, एक सफलतापूर्वक कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये आपको बता दें कि मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। सभी आरोपी कुख्यात सूफा संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। विशाल, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि चित्तौड़गढ़ में जो आरडीएक्स ये जो मिला है, क्या पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल, एक बार फिर जयपुर दहलने से बच गया है। जिस तरह से सालों पुराना वो मंजर जहां पर 8 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिससे जयपुर अब तक उभर नहीं पाया है, ऐसे में जयपुर में 3 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके की साजिश जिस तरह से एटीएस ने नाकाम की, वो काबिले तारीफ है। ये जो 3 आरोपी पकड़े गए थे वो सूफा संगठन से है। उनके अलावा 5 संदिग्धों को भी एटीएस ने धर दबोचा है। निम्बा हाड़ा में एटीएस की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है, जिनके कब्जे से एटीएस की टीमों ने 12 किलो आरडीएक्स, उसके अलावा बम बनाने के जो सामान, साजो सामान है, वो भी बरामद किए, चाहे टाइमर हो, चाहे तार हो, चाहे शेल हो, वो भी वहां से बरामद हुए। उसके अलावा एक कार को जब्त किया गया है। ये पूरी जयपुर को दहलाने की साजिश थी, और जो आरडीएक्स है वो यहाँ से, जो विस्फोटक पदार्थ है वो जयपुर से ही निम्बा हाड़ा ले जाया गया था, और उसके बाद वहाँ पर बाकायदा एक फैक्ट्री में, छोटी सी फैक्ट्री में कह सकते हैं कि वहाँ पर ये पूरी बम बनाने की प्लानिंग चल रही थी। और उसके बाद जो दूसरा संगठन है उसको ये वहाँ पर सौंपने वाले थे, और वो संगठन यहाँ पर जयपुर को दहलाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही पूरी प्लानिंग इन आतंकियों की, एटीएस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सबसे बड़ी चीज है कि सूफा संगठन, जो संगठन कुछ युवकों का है, जिनकी सोच कट्टरपंथी है, जो समाज विशेष के खास तौर पर देखा जाता है कि ऐसे कहीं ना कहीं उनके सामने आया कि उनके फैसले, वो अपनी सोच है वो लोगों पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। 2 बड़े हत्याकांडों में भी इसी संगठन का नाम सामने आया था। कहीं ना कहीं ये संगठन मुखर रूप से आतंकी संगठन है, ISI, उनसे इसके तार है वो जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब सभी आरोपियों से पूछताछ हो रही है, जिसमें से कुछ जो संदिग्ध आरोपी है उनको एटीएस की टीम जयपुर अब थोड़ी सी देर बाद निम्बा हाड़ा से रवाना होगी, और फिर उनको जयपुर लेकर आया जाएगा। और उसके अलावा जो एमपी एटीएस है वो भी उन आरोपियों से, आतंकवादियों से पूछताछ करेगी। सबसे बड़ी चीज है कि एटीएस ने एक नाका, जब इनको इनपुट मिला था उसके बाद उन्होंने निम्बा हाड़ा पर टोल नाके पर ये कार्रवाई की थी, जहां पर एक कार को वहां पर उन्होंने पहले घेराबंदी की, और उसके बाद जो 3 वहां पर संदिग्ध युवक उसमें सवार थे उनको पहले धर दबोचा गया, और जिनसे पूछताछ की गई थी, जिनमें जो 3 आरोपी बताए जा रहे हैं कि जो अलग अलग है, जो जुबेर, अल्तमस और रोफुल, ये 3 आरोपी जो कि
उग्रवाद संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तीनों आरोपी है उससे पहले जो एमपी में जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी इनके नाम सामने आए थे, तब 8 संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे, उसमें भी ये तीनों भी शामिल थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उसके छूटने के बाद राजस्थान उन तक पहुंचाना और उसके बाद जयपुर को एक बार फिर दहलाना की साजिश दोस्त थी वो कहीं ना कहीं एटीएस से नाकाम करती, और जो पिछला दर था जयपुर में बम धमाके हुए थे ऐसे में कहीं ना कहीं उस बम धमाके से जयपुर अब तक उस चीज को महसूस कर रहा है। ऐसे में यदि ये तीन सिलसिलेवार बम धमाके होते तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा एजेंसियों की पीठ थपथपानी होगी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जी विशाल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।